खडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने जीवन में संघर्ष के द्वारा सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि समाज के बड़े वर्गों को एक नई दिशा दिखाने का काम भी किया। जी, हम बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी। इनके जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। ये परिवार के 14वीं संतान थे। इनके पिताजी एक इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। 1894 में इनके पिता को रिटायर होने पर ये महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन के बाद इनकी माँ का साया उठ गया। उनका लालन पालन दूसरी माँ ने किया। 9 वर्ष की अवस्था में भीमराव अंबेडकर जी की शादी रामाबाई से हुई। 14 भाई बहनों में से सिर्फ 3 भाई और 2 बहन ही बच पाए थे। पढ़ने में बड़ी रुचि थी। पिताजी ने स्कूल में दाखिला करा दिया पर इन्हें बैठने नहीं दिया गया। वे बाहर बैठकर पढ़ाई करते। भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूल जाते तो साथ में बोरी लेकर जाते और उस बोरी को शाम को लेकर आते, क्योंकि स्कूल का कोई भी सफाई करनी उस बोरी को हाथ नहीं लगाना चाहता था। कई टीचर बाबा भी और समाज के लिए तो आप बात छोड़ दीजिए, अनटचेबल के लिए पानी पीने रहने और सेहत की बड़ी अमानवीय स्थिति थी। ये वो समय था जब एक इंसान की परछाई व आवाज़ से भी लोगों को परेशानी होती थी। स्कूल में भीमराव अंबेडकर जी को प्यास लगने पर पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी पिलाया करता था। बाद में भीमराव अंबेडकर जी वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखते हैं, नो प्यून नो वाटर। कई दिन प्यून के ना रहने से किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। कई दिन से प्यासे रहने पर उन्होंने छुपके से पानी पीने की कोशिश की तो उन्हें मार खानी पड़ी। हम यह याद रखें कि यह घटना एक 8-9 साल के बच्चे के साथ हो रही है। फिर एक खास घटना हुई जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जहन पर गहन पर बुरा प्रभाव पड़ा। 1901 में रामजी सकपाल ने अपने 2 लड़कों को गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए गोरेगांव बुलाया। बड़ी तैयारी के साथ 10 साल के अंबेडकर और उनके भाई ट्रेन से मैसूर पहुंचे, जहां पिताजी उन्हें स्टेशन पर लेने वाले थे। किसी कंफ्यूजन के चलते पिताजी नहीं आ सके। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि बैलगाड़ी करके मैसूर से गोरेगांव तक जाएंगे। जब बैलगाड़ी वाले को पता चला कि दोनों बच्चे महर जात के हैं तो उन्हें बैलगाड़ी से ढकेल दिया। फिर 2 गुना किराया लेकर उन्हीं से बैलगाड़ी चलवाई और गाड़ी वाला खुद पीछे पीछे चला, क्योंकि उनके साथ बैठकर दूषित नहीं होना चाहता था। सफ़र के बीच में जब दोनों भाई भोजन करना चाहते थे तब गाड़ी वाले ने एक ऐसी जगह पर गाड़ी रोकी जहां पर जानवर मलमूत्र त्यागते थे। भीमराव अंबेडकर जी वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखते हैं कि मैं 9 साल का लड़का था जब ये सब मेरे साथ हुआ। इस घटना ने मेरे साथ एक गहरी छाप छोड़ी। एक समय ऐसा आया जब 10 साल की उम्र में घर और स्कूल छोड़कर भाग जाना चाहते थे। ट्रेन के टिकट के लिए उन्होंने 4 दिन तक पैसे चुराने की कोशिश की, केवल 1 आना मिला। तो उन्होंने निश्चय किया कि स्कूल और घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ करके अच्छी नौकरी हासिल करूंगा और आत्मनिर्भर बनूंगा। उससे पहले छोटे बालक भीमराव अंबेडकर जी को इन्हें गार्डन में घूमने, बकरियां चराने और खेलने का बड़ा शौक था। उस निर्णय ने बाबा साहेब की शक्तियों की एक नई दिशा दी। वो कहते हैं कि उस दुनिया में कुछ भी करने का एडमिट्रेशन होना चाहिए। द एलोन राइस दैट स्ट्री, उड़ता वही है जो महान प्रयत्न करता है। 1904 में बाबा साहेब अंबेडकर
परिवार सतारा से बॉम्बे आ गया, लेकिन लोगों की सोच वही थी। उन्होंने एमए करने के बाद विदेश चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली। वे हर दिन 21 घंटे पढ़ा करते थे। वे इकोनॉमिक्स में एमए किया, साथ में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी व पॉलिटिकल विषय भी पढ़ी। फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स व पॉलिटिकल पढ़ने लंदन चले गए और उन्हें लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल गया। अंबेडकर साहब बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते थे, बड़े लेखक व विचारक बन सकते थे, शांति व सम्मान से जीवन जी सकते थे। वे कहते हैं कि 5 साल विदेश रहने के बाद मैं भूल चुका था कि मेरी जाति क्या है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुश्किलों में भागने वाले में से तो थे नहीं। 1923 में जब डॉक्टर अंबेडकर लौटकर आए तो अनस्टेबिलिटी से लड़ने के लिए तैयार थे। वे कहते हैं, अपनी जान व देश की आज़ादी के बीच चुनना होगा तो मैं देश को चुनूंगा, और दलित उत्थान व देश की आज़ादी के बीच चुनना होगा तो मैं पहले दलित उत्थान को चुनूंगा, क्योंकि वो आज़ादी किस काम की जिसमें लोगों को समानता ना मिले। बिना समानता के हर आज़ादी गुलामी है। आज से 100 साल पहले इनका विज़न इतना बड़ा था कि 1923 में उन्होंने बहिष्हितकरणी सभा का स्थापना की, जिसका मकसद था डिम्प्रेस क्लास को शिक्षित करना और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। उन्होंने कई बड़े काम किए और मूवमेंट चलाए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इन सब चीज़ों पर अपनी मानसिक शक्ति व्यर्थ की होती तो कभी स्कूल पूरा नहीं कर पाते। हमेशा अपना लक्ष्य सामने रखो और जो उनकी काबिलियत है उसका पूर्ण सम्मान करते हुए कर्म में डूबे रहो। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आत्मसम्मान से जीना चाहते हो तो सेल्फ और हेल्प में विश्वास करो, खुद को ऊपर उठाओ, यही सबसे अच्छी हेल्प है। नेल्सन मंडेला ने हमारा संविधान देख करके कहा था कि इस भारत के महान बेटे के विचार देखकर हमको प्रेरणा मिलती है कि साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। 3 साल की कड़ी मेहनत, 40 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने व कई देशों के समाज व कानून व्यवस्था समझने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उन्होंने भारत के लिए एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर को फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब वे विदेश जाते तो वहाँ से हजारों किताब लेकर आते। राजगढ़ में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनल लाइब्रेरी में 5,000 किताबें थीं। किताबें तो खरीदकर कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब देहांत के बाद जब उनकी लाइब्रेरी खोली गई, हर किताब में कई जगह नोट्स व कमेंट्स लिखे थे। बाबा साहेब कहते हैं कि आप उनकी बुद्धि की स्थिरता के बारे में सोचिए। जीवन भर अमानवीय व्यवहार सहने के बावजूद उन्होंने अपने मन में किसी तरह की नफरत नहीं पाली, क्योंकि वे जानते थे कि नफरत कमज़ोर दिमाग का खेल है। वह अंत तक एकता भाईचारे की बात करते रहे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काम के किस्से लाती रहूँगी। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।